दोस्तों आपका फिर से स्वागत है ग्रीन स्पून गार्डन में। आज हम बात करेंगे कि पत्तियों की खाद किस तरह से बनाएं, वो भी सिर्फ 2 महीने में। जो मेरी इससे पहली वीडियो थी पत्तियों की खाद पर, वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि वो उसको बनाने के लिए करीब 7 महीने का टाइम उसमें लगा था, जो मैंने आपको वीडियो में अपडेट कर दिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप 2 महीने के अंदर खाद किस तरह से बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेनी पड़ेंगी सूखी पत्तियाँ। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल सूखी हों। अगर सूखी पत्ती नहीं होगी तो ये लीफ मोल्ड या पत्तों की खाद आप नहीं बना पाएंगे। और सूखी पत्ते लेने के बाद आपको उसको अपने हाथों से किसी भी चीज़ से अच्छे से क्रश कर लेना है। जितना छोटा साइज़ होगा उतना जल्दी आपका ये खाद बनेगा। तो दोस्तों ये सारा जितना भी खाद है ये एक हम कंटेनर में डाल लेंगे। आप चाहे तो इससे बड़ा भी कंटेनर ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और कंटेनर आप इस तरह का लीजिए जिसके अंदर अगर ढक्कन हो या कोई कैप हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इसको बाद में ऊपर से सील करना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम पूरा फिल कर देंगे। ये देखिए पत्तियों का जो साइज़ है इसको मैंने अच्छे से क्रश किया हुआ है और ये बिल्कुल ड्राई लीव्स हैं। आपको सूखी पत्तियाँ ही लेनी है। आप चाहे तो उसके अंदर आप फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन के, लेकिन वो भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। देखिए कितने सारे यहाँ पर ये पत्तियाँ मैंने ले ली हैं और अपना जो कंटेनर है वो हमने फुल भर लिया है। और दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे हमारा खाद जल्दी बनेगा। तो उसके लिए हमें चाहिएगा सबसे पहले करीब 5 लीटर पानी। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना मर्जी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने करीब 5 लीटर पानी लिया है और इस 5 लीटर पानी को आप किसी प्लास्टिक की जो बाल्टी होती है उसके अंदर आप रख लेंगे। कोशिश कीजिए कि आप प्लास्टिक की बाल्टी इस्तेमाल करें। और साथ में हम लेंगे ये काउ यूरिन। आप चाहे तो नॉर्मल वाला जो आता है नेचुरल वाला वो ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने पतंजलि का लिया है। डिस्टिल काउ यूरिन होता है ये। इसका ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि इसके अंदर स्मेल उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। और ये हम 5 लीटर पानी के अंदर करीब 50 से 100 ml के बीच में हम इसके अंदर डाल लेंगे। इसको डालने का ये फ़ायदा होगा जो हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डेवलप करेगा और वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जल्दी से उन पत्तियों को खाएंगे और उन पत्तियों को खाने के बाद उसकी वो पत्तियों की खाद बना देंगे। और ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आप मिक्स कर लीजिए या फिर किसी लकड़ी के डंडे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब इसको मिक्स करने के बाद जो हमने ये पत्तियों की खाद है जिस कंटेनर में डाली है ये सॉल्यूशन हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। आप चाहे तो स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे का अगर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अंदर तक जाएगा नहीं, इसलिए मैं इसको एक मग की हेल्प से इसको डाल रहा हूँ। इस तरह से हमें इसको डाल लेना है। दोस्तों ध्यान रहे ये आपको हफ्ते में एक बार डालना है। और एक बार इसको डालने के बाद अब इसको सील करके रख देंगे किसी शेडी एरिया में जहाँ पर धूप नहीं आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि 30 दिन के बाद इसका क्या हाल है, अपडेट आफ्टर 30 डेज। दोस्तों देखिए ये 30 दिन के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया है इसमें ये खाद बननी शुरू हो गई है, पर थोड़ा हिस्सा रह गया है। अपडेट आफ्टर 63 डेज। तो दोस्तों जो हमने खाद बनाई थी उसको मैंने इस तरह से ये हमारा कंटेनर नीचे रखा हुआ है देखिए, और ये शेडी एरिया में रखा हुआ था, इसको मैंने ढक के रखा हुआ है सील पैक करके और इसके ऊपर अपने प्लांट रखे हुए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं कि 63 दिन के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिला है, हमारी खाद तैयार है या नहीं है, या अभी उसको हमें इस तरह से दोबारा से रखना पड़ेगा। और ये हमने ढक्कन उठाया और ये देखिए ये हमारी खाद प्रॉपर तैयार है। जो मैंने आपको सॉल्यूशन इसमें डालने के लिए बताया था वो इसके अंदर मैंने हर हफ्ते डाला है। ये देखिए खाद जो है हमारी प्रॉपर तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब ये खाद जो है हमारी प्लांट के अंदर यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, इसके अंदर बिल्कुल भी किसी केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं है। कुछ लोग स्प्रे करने के लिए यूरिया आपको बताते हैं कि आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए तो आपकी खाद बन जाएगी जल्दी। यूरिया से खाद जल्दी बन जाती है बट वो ऑर्गेनिक नहीं होती। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पत्ती की खाद को हम अपने प्लांटों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने गमलों में अपने पौधों में किस तरह से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करनी पड़ेगी। आपके पास कोई भी प्लांट हो आप किसी भी प्लांट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग के अंदर या फूल पत्तियों वाले के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने प्लांट के अंदर गुड़ाई करेंगे अच्छे से। गुड़ाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो खाद है वो ऊपर ऊपर ना रह जाए,
और अगर ये खाद ऊपर ऊपर रह जाएगी तो उसका जो पूरा न्यूट्रिशन है वो प्लांट को नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ जो हमारी खाद होगी वो ऊपर ऊपर पड़ी हुई सूख जाएगी सूरज की किरणों में। और दोस्तों, जब भी आप इस खाद का इस्तेमाल करें हमेशा शाम के टाइम करें, क्योंकि खाद अगर आप शाम के टाइम डालेंगे तो ही उसका बेनिफिट प्लांट को मिल पाएगा। सुबह के टाइम अगर आप डालेंगे तो वो सुबह के टाइम डालने से जो खाद है वो पूरी सूख जाएगी। इसलिए सबसे पहले इसके अंदर हम गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद जब हमारी जो मिट्टी है ये बिल्कुल ढीली हो जाएगी इस तरह से, ये देखिए, तो करीब 50 से 100 ग्राम खाद हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये हमारी खाद जो है वो तैयार है और इसको हम जो हमारे प्लांट का स्टेम है यानी कि तना, उससे थोड़ा सा बचाते हुए इसको हम डाल देंगे। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टेम के पास जो खाद है वो ना डले। ये देखिए, बिल्कुल स्टेम से आपको दूर करना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर स्टेम के पास डाल देंगे तो हो सकता है कि कई प्लांट ऐसे होते हैं जो थोड़े से डेलिकेट होते हैं, उससे कई बार स्टेम जल भी जाता है। और खाद डालने के बाद इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अंदर तक चली जाए, और फिर इसको दबा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि खाद हमारी नीचे जा चुकी है और मिट्टी जो है हमारी वो ऊपर है। इससे हमें ये बेनिफिट होगा, हमारी खाद का जो रिस्पॉन्स होगा वो हमें अच्छा मिलेगा। अब खाद डालने के बाद हमें फाइनली इसके अंदर लास्ट काम क्या करना है, वाटरिंग का। प्लांट के अंदर हमें अच्छे से वाटरिंग करनी है ताकि जड़ों के अंदर तक खाद का न्यूट्रिशन पानी के ज़रिए अच्छे से चला जाए। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के अंदर ये खाद बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं और आप बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।